Good morning all of you. Today we will discuss in this chapter surface area and volume some problems which are based on cone in exercise 13.3. Now in my previous lecture we have already discussed question number 1 to 5 in this exercise. So today is question number 6 in exercise 13.3. The slant height and base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. हमारे पास एक कॉनिकल टॉम है जिसकी स्लेंट हाइट कितनी है 25 मीटर है और इसके इसके बेस का डायमीटर कितना है 14 मीटर है और हम इस कॉनिकल टॉम के कर्व सरफेस एरिया को व्हाइटवॉश कराना चाहते हैं. व्हाइटवॉश कराने में 100 मीटर स्क्वायर में हम कितना कॉस्ट पे करते हैं रुपीज़ 210. तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी एरिया क्या करा है कवर कर रहा है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर हमारे पास क्या है हम उस पर डिस्कस करते हैं. हमारे पास क्या है इसकी स्लेंट हाइट. स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल टॉम कितनी है 25 मीटर और यहाँ से इसका डायमीटर दिया गया है. डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम 14 मीटर. रेडियस ऑफ द कॉनिकल टॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर. अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया. नाउ सीएसए ऑफ द कॉनिकल टॉम इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर एल. कौन की फिर से कितनी होती है कौन की पाई आर एल होती है. 22/7 इंटू रेडियस 7 एंड स्लेंट हाइट कितनी है 25. तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितनी एरिया कवर कर रहा है 550 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ से क्या दिया गया है सिंस 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम 210 रुपीस देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया 210/100 21/10 क्या आया रुपीस आया. एरिया कितनी है हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर. नाउ 550 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. हमने कितना खर्च किया था 21/10 रुपीज. कितनी एरिया है 550 कितना गया 21 × 55. जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1155 रुपीज़ जो है हमको क्या करते हैं पे करते हैं इसको वाइट वॉश कराने में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और जोकर कैप्स. जैसा मैंने आपसे पहले बताया था जोकर कैप तो जोकर्स कैप की जब भी हम बात करेंगे एक जोकर के हैट की उसके टोपी की उसका शेप कैसा होगा कोन का होगा. इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर. या क्या बना रहा है एक कोन बना रहा है जिसका जिसके बेस की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स. कभी भी अगर हम कोई कैप बनवाते हैं तो उसके जो उसका जो इनर सरफेस होता है वो क्या होता है वहाँ कह लो हलो होता है. सिर्फ हम आउटर सरफेस एरिया क्या करते हैं कवर करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी एरिया रिक्वायर होगी एक कैप को बनाने में. अगर एक कैप का हम निकाल सकते हैं तो फिर नंबर ऑफ कैप्स अगर हम बढ़ा दें तो एरिया क्या होगी बढ़ेगी. तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ से बेस रेडियस ऑफ द कोन. बेस रेडियस ऑफ द कोन कितना है 7
7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, हाइट ऑफ द कोन कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं इसकी स्लैंट हाइट कितनी आएगी, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया स्क्वायर रूट में कितना का 625, यानी इसकी स्लेंट हाइट कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएसए ऑफ 1 कॉनिकल कैप, हम एक कैप की बात करते हैं, पाई आर एल 22/7 रेडियस 7 एंड एल 25। एक कैप को बनाने में कितनी एरिया यूज हो रही है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ कैप्स कितने हैं 10 है, तो सो एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप्स। एक कैप में कितनी एरिया लगी थी 550 का 10 में इंटू 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वह क्या होगी रिक्वायर होगी कैप को बनाने में। इस तरह से हमने एरिया फाइंड किया। नाउ इस क्वेश्चन से ये जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं वो उनकी हाइट दी हुई है, उसके बेस का डायमीटर दिया हुआ है, पूछा स्लेंट हाइट कितनी होगी। तो स्लेंट हाइट के लिए जैसा मैंने बताया इन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप लगा के निकाल सकते हो। अगर स्लेंट हाइट हमें पता है तो उसकी हम कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, पाई आर एल से उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस से टोटल सर्फेस निकाल सकते हैं पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। सेम इस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको रीड करना है और सॉल्व करना है। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।